नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम इसके बारे में कल ही डिस्कस कर रहे थे कि इसराइल की एक पूरी स्ट्रैटेजी है इस पूरे वॉर को लड़ने की, और इसी वजह से वो अपनी शानदार स्ट्रैटेजी की वजह से ही वो हमास और हिजबुल्ला की हालत ख़राब कर पा रहा है कि जो इनके टॉप कमांडर्स हैं, जो टॉप लेवल के ऊपर से ऑपरेशंस देखने वाले लोग हैं या जिनका फेस है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उनको ही अगर टारगेट करके ख़त्म कर दिया जाए। और इसीलिए कहा जाता है ना कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस है, जो मोसाद है, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एलीट लेवल की यूनिट है। और वो काम उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने अगर वो IRGC के गेस्ट हाउस में इस्माइल हानिया को मार सकते हैं, तो फिर उनके लिए आयतुल्ला खमेनी कभी कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। उनके लिए कोई भी लीडर, या चाहे वो हुदीस का हो गया, चाहे वो हिजबुल्ला का हसन नसरल्ला हो, कोई भी बड़ा टारगेट नहीं है। इसके बारे में हमने कल ही एक पूरी विस्तृत चर्चा करी थी, उसमें डिस्कस भी किया था, और वो काम अब इसराइल ने कर भी दिया है। ये आपको टाइम्स ऑफ इसराइल की कटिंग यहां पर दिखाई दे रही होगी, और इसमें IDF जो है वो चेक कर रहा है कि शायद नसरल्ला जो है वो मारा जा चुका है इसराइली एयर स्ट्राइक में। हुआ क्या कि कल इसराइल ने पहले तो वो सदन जो लेबनान के एरियाज हैं, जो नीचे के एरियाज हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने अटैक अचानक से बेरूत के ऊपर कर दिया। बेरूत जो कि कैपिटल सिटी है लेबनान की, वहां पर अटैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था। और जो वो अटैक किया बेरूत में, वहां पर काफी पॉपुलेशन भी है, बहुत पॉपुलेटेड एरिया है। तो उस अटैक के बाद बताया गया कि वहां पर, क्योंकि हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर, इसलिए वहां पर अटैक किया गया है। और उस अटैक में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं और कम से कम 76 लोग ऐसे थे जो कि गंभीर रूप से घायल थे उस पूरे अटैक में। और इस 76 में से 15 लोग तो ऐसे थे जिनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी। अब जो ये 15 लोग जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी, उनको सही समय पर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिल पाने के कारण बताया गया कि ये लोग मारे गए हैं। तो टोटल जो मरे लोगों की संख्या है वो 17 है। अब IDF का कहना यह है कि ये जितने लोग मरे हैं, ये सारे के सारे हिजबुल्ला के ऑपरेटिव्स थे, क्योंकि हमने हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर जो कि बेरूत में मौजूद था, वहाँ पर टारगेट किया था। और इसी जो 15 लोग जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत ज़रूरत थी, इसी में से एक व्यक्ति था हसन नसरल्ला, और हमने हसन नसरल्ला को भी इसमें मार गिराया है, ऐसा IDF का कहना है। ऐसे कई सारी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन सब का कहना है कि हसन नसरल्ला जो है वो नॉट रीचेबल हो चुका है। जैसे आप लेबनीज जितने मीडियाज़ को देखोगे, तो उन्होंने ने इस पूरे बेरूत वाले एयर स्ट्राइक के बाद हसन नसरल्ला का टेक लेने के लिए कि आपका इस पर क्या कहना है, उनको उनसे मुलाकात करने की कोशिश की। हालांकि किसी को आइडिया नहीं था कि हसन नसरल्ला मारा जा चुका है। तो सबने हिजबुल्ला के थ्रू, जो भी अपने नेटवर्क्स होते हैं उसके थ्रू, हसन नसरल्ला से मिलने की कोशिश करी, तो हर जगह से उनको ना आया कि भाई नहीं, वो अभी रीचेबल नहीं है, वो अभी बिजी हैं या ऐसे मौजूद नहीं है, वो अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद IDF ने इस चीज़ की पुख्ती, मतलब इस चीज़ के ऊपर कहा कि हो सकता है कि हसन नसरल्ला जो है वो मारा जा चुका है, क्योंकि जो हमने एयर स्ट्राइक करी थी वो हमने बिल्कुल प्रिसाइज एयर स्ट्राइक करी थी, और हसन नसरल्ला ही हमारा अल्टीमेट टारगेट था। इसीलिए हमने बेरूत की सिटी को टारगेट भी बनाया था, और इसीलिए हमने इतने पॉपुलेटेड एरिया को अटैक भी किया था, क्योंकि हमें हसन नसरल्ला का लोकेशन मिल गया था और एकदम उसी लोकेशन पर हमने टारगेट किया। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस हैं, और आप ऐसा मान कर भी चलिए कि 80-90% चांसेस हैं कि हसन नसरल्ला मारा जा चुका है। हालांकि अभी इसके ऊपर IDF ने क्लेम किया है पुख्ता कि मारा जा चुका है क्लियरली। जैसे आप ये न्यूज़ मीडिया का जो टाइम्स ऑफ इसराइल का जो एक कटिंग है वो आप देख रहे होंगे कि वो अभी भी इस पूरे मामले के ऊपर चेक कर रहे हैं कि हसन नसरल्ला मारा गया है या वो जिंदा है या उसका इलाज चल रहा है। कुछ तो है, या तो बहुत गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है, या तो वो मारा जा चुका है। इन दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखना कि जब इन्होंने बेरूत को टारगेट किया, तो मतलब कि इनके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए इन्होंने टारगेट किया है। बिकॉज क्योंकि बेरूत जो है एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर टारगेट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक पूरा फुल फ्लेजेड वॉर भी हो सकता है, बिकॉज आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लेबनान इज़ नॉट गाज़ा। वहाँ पर एक प्रॉपर सरकार है जो कि बहुत सालों से चल रही है, वहाँ पर पॉपुलेशन है जो कि वहाँ पर नॉर्मल आवागमन रहता है लोगों का, और क्योंकि वो कैपिटल सिटी है तो बहुत हैवीली डेंसली पॉपुलेटेड है वो सिटी। तो वहाँ पर अगर इन्होंने स्ट्राइक किया है, तो जाहिर सी बात है इनके पास कुछ ना कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन होगी, तभी इन्होंने स्ट्राइक किया है। और हसन नसरल्ला को अब ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने मार गिराया है। अगर जो लोग हसन नसरल्ला के क्लोज ऑपरेटिव्स हैं, हिजबुल्ला के जो नेटवर्क के लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं जो हसन नसरल्ला से काफ़ी क्लोज हैं और उनसे काफ़ी टेक लेते रहते हैं, उनका ये कहना है कि हसन नसरल्ला इज़ बिल्कुल फिट एंड फाइन,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी उनसे बातचीत भी हुई है और वो बिल्कुल ठीक हैं, वो अपने जहां पर उनका जो स्ट्रांग होल्ड है, जहां पर वो रहते हैं वहीं पर वो हैं, और अभी सुबह उनसे बात हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो फिट एंड फाइन वाली जो खबर है, ये खुद ही इस झुटला, इसको आप झुटला सकते हो इस तरीके से कि हिजबुल्ला के कई सारे टॉप लेवल के कमांडर्स से जब एनोनिमिटी के बेसिस पर कि आपके आपका नाम नहीं बताया जाएगा, कुछ लेबनीज मीडियाज ने बात करने की कोशिश करी, टाइम्स ऑफ इसराइल ने संपर्क बनाने की कोशिश करी, हालांकि टाइम्स ऑफ इसराइल से तो संपर्क करेंगे नहीं वो लोग, तो लेबनीज मीडिया का जितना भी टेक आया इसके ऊपर, उनका ये कहना है कि भाई टॉप लेवल के कमांडर्स भी हसन नसरल्ला से बातचीत नहीं कर पा रहा अभी फिलहाल में, उनको मना कर दिया जा रहा है कि वो नहीं, वो अभी नॉट रीचेबल हैं और वो उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अभी आप बात नहीं कर सकते, आपको बाद में बताया जाएगा जब बात करनी होगी। तो जब टॉप लेवल के कमांडर्स को ऐसा कहा जा रहा है तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ बात तो है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखो कि इस्माइल हानिया को जब मारा गया था तो पूरा हमास जो है वो हिल गया था, और उसके बाद तुरंत जैसे ही इस्माइल हानिया को मारा गया तो तुरंत जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई आयतुल्ला खमेनी ने, और उस इमरजेंसी मीटिंग में इस्माइल हानिया के बारे में कैसे मारा गया, क्या हुआ, इसके बारे में पहले भी ये कहा जा रहा था ना कि इस्माइल हानिया हो सकता है ज़िंदा है, इसके बारे में कोई अभी पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट क्योंकि देखा गया कि इमरजेंसी मीटिंग ईरान में बुला दी गई है, आयतुल्ला खमेनी खुद उस मीटिंग को ले रहे हैं, उसमें बातचीत कर रहे हैं, तो सब सारे न्यूज़ मीडिया एजेंसी इस चीज़ को मान चुके थे कि हाँ अब मतलब इसका मतलब है कुछ बड़ा हुआ है, और वो बड़ा ये है कि इस्माइल हानिया इसमें मारा जा चुका है, और बाद में फिर उन्होंने ऑफिशियल किया था उस खबर को। तो वैसे ही एक मीटिंग आप जा करके ईरान चेक कर लेना, ईरान की न्यूज़ में आयतुल्ला खमेनी ने अभी अभी ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है, जिस मीटिंग को वो खुद वो अनाउंस किया है उन्होंने, और उस मीटिंग में सारे इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाया, IRGC के जो भी टॉप लेवल के कमांडर्स हैं जो लेबनान का ऑपरेशन देख रहे हैं उन लोगों को बुलाया गया है। तो मे बी ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि हसन नसरल्ला इस पूरे अटैक में सच में मारा गया है, वरना इतनी सुगबुगाहट हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स में और ईरान में इतना भागदौड़ जो है वो नहीं होता। तो ये सारी मीडिया एजेंसीज ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है कि शायद हो सकता है कि इसमें मारा गया है। अब इसराइल ने जब अटैक किया है बेरूत की कैपिटल सिटी पर, तो जाहिर सी बात है कि यूएन का तो उस पर टेक आना है। यूएन ने कहा यह बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि इसराइल ने किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और अभी इसमें जो अगर आप इसमें डेबरी हटाओगे तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारे सिविलियंस की भी जाने जा चुकी हैं इसमें, और ये स्पोक्स पर्सन जो है उनके, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इसराइल को अब इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनको टारगेट करना बंद करे। तो इस चीज़ का जवाब जो है इसराइल के जो मिलिट्री चीफ हैं डैनियल हगारी, उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्ला का जो हेडक्वार्टर था जो कि बेरूत में था, वहाँ पर हमें लोकेशन मिली थी कि हसन नसरल्ला यहाँ पर मौजूद है, हमने सिर्फ वहाँ पर टारगेट किया, हमने पहले ही लोगों को इतला कर दिया है कि जो भी लोग भी हिजबुल्ला के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर रह रहे हैं वो उन एरियाज़ को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए फॉर टाइम बिंग, जब तक ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अब उसमें अगर सिविलियंस की डेथ होती है तो वो हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हम तो यहाँ पर हिजबुल्ला को टारगेट कर रहे हैं, हसन नसरल्ला को टारगेट कर रहे हैं। तो ये उनका इसके ऊपर, अब देखो यूएन से या EU से, अभी EU का भी इसके ऊपर आया है कि देखो हम फेल हो गए इसराइल को रोकने में, तो अब इसराइल को उससे फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि उसको मौका मिला है और वो उस पूरे मौके को बुना रहा है। और अगर हसन नसरल्ला मर जाता है तो आप समझ लो कि हिजबुल्ला के लिए ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा ब्लो होगा, और ये आगे चल करके ये भी हो सकता है कि लेबनान में हिजबुल्ला खत्म भी हो सकता है, क्योंकि हसन नसरल्ला इस समय इस प्रकार का व्यक्ति है जो कि पूरे हिजबुल्ला की नेटवर्किंग को संभाल रहा है, और सेकेंड लेवल ऑफ लीडरशिप देखोगे तो उसको भी इसराइल ऑलरेडी टारगेट कर चुका है, कई सारे उसमें जो बड़े बड़े ऑपरेटिव्स हैं उनके जिहाद काउंसिल के, उनको भी मार चुका है। तो होता क्या है कि जिहाद काउंसिल जो होता है ये सारे ऑपरेशंस करता है और इसी के किसी को एक सेक्रेटरी जनरल लेवल पे बनाया जाता है, कासिम भी उनके टारगेट पर है। तो ये सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं सबको टारगेट कर चुका है इसराइल ऑलरेडी, और कई सारों को तो उसमें मार भी चुका है। तो अब किसी सबकी हालत ख़राब है कि ये सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट लेगा कौन, जैसे कि आप देखो कि इस्माइल हानिया को मारा और उसके बाद वो पोस्ट जो है वो याया सिनवार के पास गई, खबर ये आई कि याया सिनवार को ही मार दिया है, और याया सिनवार को जो मारने वाली खबर है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन उसने कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट उसके बाद तक आज तक नहीं दिया है। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया था और उसके बाद कहते हैं कि मुसाद ने उसको लोकेट कर लिया था और उसके लोकेशन के बाद उसको भी मार गिराया है। तो वही हाल यहां पर भी हो रहा है, हसन नसरल्ला को अगर मार देंगे तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा, ईरान की हालत ख़राब है इस टाइम पर। तो ये सारी स्थिति वहां पर चल रही है, लोगों को डर लग रहा है कि कहीं लेबनान का भी गाज़ा वाला स्थिति ना हो जाए कि जो लाखों लाखों लोग हैं वो कभी इधर मूव कर रहे हैं,
अभी इधर मूव कर रहे हैं, छोटे छोटे जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनमें रह रहे हैं, ये वाली स्थिति ना हो जाए। अगर आप देखोगे कि मंडे से इसराइल ने कम से कम 1600 टारगेट्स पर हमला किया है लबनान के अंदर में, उसमें कम से कम 500 लोग मारे जा चुके हैं ऑलरेडी, कम से कम 1650 लोग जो है उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये जो 2006 का इसराइल और हिजबुल्ला का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, जो वॉर हुआ था, जिसको आप वॉर कह सकते हो, उसमें भी इतने लोग घायल या इतने लोग मारे नहीं गए थे। तो ये अपने आप में इसराइल ने अपना बिगेस्ट एवर ऑफेंसिव हिजबुल्ला के ऊपर लॉन्च किया है, और उनका टारगेट सिंपल है कि पूरे हिजबुल्ला को ख़त्म करो, एकदम जड़ से इनको उखाड़ो, तब जा करके सारी चीज़ें सही होंगी। तो आयुब, आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है? अभी कुछ ही घंटों में ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि हसन नसरल्ला जो है वो एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या वो मारा जा चुका है या वो गंभीर रूप से घायल है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अन अकेडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी ने आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस के लिए आप 1.5-2 लाख रुपये खर्चा करते थे, उसको उस पूरे प्राइस को बिगेस्ट एवर डिस्काउंट दे करके अन अकेडमी ने कम करके सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया। मतलब इस प्राइस में आपको अन अकेडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ाएंगे, इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, स्पेसिफिक डाउट सेशंस होंगे आपके लिए, ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलेंगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो पूरा बैच है, अगर आपको ये 24,999 रुपये एक बार में देने में भी ज़्यादा लगे, तो उसके लिए भी अन अकेडमी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर, उसको भी आप अवेल कर सकते हो। तो अपने आप ही एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, मतलब इसमें हम GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपका कवर करा देंगे, आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आपको ये कोर्स इस डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।